परम पूज्य शून्योजी महाराज मानवता मंदिर होशियारपुर और ओम सत्य मानवता मंदिर डकशई के आध्यात्मिक परमाध्यक्ष हैं। आपकी वाणी में वात्सल्य, करुणा और प्रेम की त्रिवेणी है। परम पूज्य परम संत शून्योजी महाराज ने योग, ध्यान, धारणा, समाधि, नाम स्मरण, गुण कीर्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि अनेक शास्त्रीय मंतव्यों को मानवता के कल्याण के लिए अपने प्रवचनों में व्यक्त किया है। तो आइए परम संत शून्य जी महाराज की वाणी में व्यक्त आध्यात्मिक सत्य का श्रवण करें। एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ ना, कि नारद जी भगवान से मिलने जा रहे हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक आदमी ध्यान में बैठा हुआ है, परमात्मा का ध्यान कर रहा है कि कब मिलोगे, पुकार चल रही है। तो नारद जी पूछते हैं उसे कि भाई मैं जा ही रहा हूँ परमात्मा के द्वार पर उनसे बातचीत करने, हाँ उनका संदेश वाहक हूँ ना, तो तुमने कोई संदेश देना, कुछ कहना परमात्मा के? तो वो साधक कहता है कि कुछ नहीं कहना, बस पूछा ना कि कब मिलोगे, बहुत जन्म बीत गए, बहुत दिनों से बैठे हैं, मिलना कब होगा, और हमारा प्रणाम कहना, चरणों में हम झुके हुए हैं। दूसरी के पास जाता है, आगे जाता है, तो दूसरा एक मिल जाता है रास्ते में साधक, तो उससे भी नारद पूछते हैं कि हम जा रहे हैं परमात्मा से मिलने, तुमने कुछ कहना है, कोई संदेशा देना है भगवान को? तो वो साधक आंखें खोलता है, कहता है परमात्मा से कहना कि इतना भी जो क्रूर स्वभाव है वो अच्छा नहीं है, मैंने बहुत तुम्हारी भक्ति की है, तुम कब मिलोगे, मैं कब तक इंतजार करूं, मरा जा रहा हूं, अब तो मिल जाओ, तो पूछ के आना कि कब मुलाकात होगी, कि कब कटेंगे क्लेश, कि कब तुम उतरोगे मेरे आंगन में। तो नारद जी कहते हैं ठीक है भाई, तो वो जाते हैं और परमात्मा को दोनों का संदेश देते हैं। तो वापस चले आते हैं भगवान का जवाब सुन के। जब वापसी पे आते हैं तो पहले जो साधक दूसरे नंबर पे मिलता है उसके पास आना होता है, तो रुक जाते हैं और वो दूसरे नंबर का साधक पूछता है कि बताओ बताओ परमात्मा ने क्या कहा। वो आंखें खोल के राह ही देख रहा है नारद जी की, ध्यान भी उसका छूट गया कि बताओ परमात्मा ने क्या कहा है। तो नारद जी कहते हैं भाई मैंने तुम्हारी बात की थी, तुम्हारा संदेशा दिया था, परमात्मा कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे बैठ कर के तुम साधना कर रहे हो उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लगेंगे तब वो मिलेगा। तो ये साधक बड़ा बौखला जाता है, अपना आसन उठा करके बाहर फेंक देता है और कपड़े पहन करके चल देता है घर की तरफ। ये कौन करे इतने जन्म, ये पत्ते तो गिने भी नहीं जा सकते, अगर इतने जन्मों बाद मिलना है तो मैं क्यों तप रहा हूं, अभी मैं क्यों यहां बैठा हूं, देखेंगे बाद में, अभी तो चलें संसार में, पीछे परिवार है। तो वो लौट जाता है अपने घर की ओर, उतावला है, अधीर है, प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो एक आवाज आती है आकाश से कि नहीं नहीं, ये जो पत्ते हैं इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर इतने जन्म नहीं लगेंगे, किसी भी जन्म में परमात्मा तुम्हें नहीं मिल सकता। और नारद जी दूसरे के पास जाते हैं, वो जो पहले उनको मिला था साधक, और उससे पूछते हैं, और वो साधक आंखें खोलता है और प्रणाम करता है नारद जी को कि आप आ गए, तो मेरे प्यारे ने, मेरे प्रीतम ने क्या संदेशा भेजा है। तो नारद जी कहते हैं उसने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे साधना कर रहे हो इस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लगेंगे तुम्हें पाने के लिए,
उस परम सत्ता को, उस परम तत्व को। तो वो साधक देखता है उन पत्तों को, वो गिन भी नहीं सकता, करोड़ों करोड़ों पत्ते हैं उस पेड़ पर, बहुत विशाल पेड़ है। लेकिन वो बात सुनते ही नाचने लगता है, गाने लगता है, खुशी से भर जाता, आनंद से भर जाता कि सिर्फ इतने जन्मों में मिलेगा। अरे कमाल हो गया, तो मिलेगा, इतना तो यकीन दिला दिया ना, इतना तो उसने कह दिया कि मैं आऊंगा, कोई बात नहीं, जहां इतने जन्म हैं वहां ये जन्म भी कट जाएंगे, मैं बैठा हूं उसकी राह में। और वो नाचता है, गाता है, झूमता है और बैठ जाता है फिर से अपने आसन पे आंखें बंद करके। और कहते हैं कि उसके बैठते ही परमात्मा उतर आता है उसके जीवन में, वो धन्य हो जाता है। और नारद जी पास ही खड़े हैं, ये तमाशा देख रहे हैं। और वो कहते हैं, उठो, अब तो तुम्हें परमात्मा मिल गया, अब तो तुमने वो परम धन्यता को पा लिया, उस सत्य को पा लिया जिसके लिए तुम यहाँ साधना कर रहे थे, जो अनंत अनंत जन्मों तक भी इंतजार करने को तैयार है, उसके लिए परमात्मा अभी इसी क्षण उतर सकता है। और जो धैर्यवान नहीं है, जो उतावला है, बस मिल जाओ, बस रात से पहले मिल जाओ, नहीं मिलोगे तो मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए दूर हो जाता है। तो प्रतीक्षारत रहो, और प्रतीक्षा कैसी, आशावादी हो करके कि मिलेगा, निराशा से नहीं भरना, आशा से भरना कि हाँ मिलेगा। और उसमें प्रार्थना रत रहना, प्रार्थना को नहीं छोड़ना, प्रार्थना है धन्यवाद उसका, उसका शुक्रिया, उसकी मेहरबानी, उसके प्रति कृतज्ञ भाव को बनाए रखना, वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। प्रार्थना मांग नहीं है, मांग से मत भर जाना, मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मांग ही तुम्हारी रुकावट बन जाएगी, मांग ही एक पर्दा बन जाएगा तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। मांगना कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया कि वो तो मिला ही हुआ है। तुम अपनी मांगों को दरकिनार कर दो, तुम मांगों को त्याग दो, उनको तिरोहित कर दो जीवन से, और शांत और शुद्ध हो जाओ, वो मिला ही हुआ है। तो प्रार्थनारत रहो, प्रार्थना तुम्हारी टूट टूट जाती है, छूट छूट जाती है, क्योंकि तुम उतावले होते हो या उदास हो जाते हो, अब तक नहीं मिला कब मिलेगा, महाराज जी 20 साल हमने ध्यान किया अब छोड़ दिया, कुछ होता तो है नहीं, प्रकाश तो उतरता नहीं है, उल्टे मुसीबतें आ गई हैं, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अपना निरीक्षण नहीं करता कोई, ये नहीं देखता कि मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान तो एक दिन भी नहीं किया, उस परमात्मा की याद तो एक दिन भी नहीं बनी। सिमरन, जिसको सिमरन कहते हैं, जिसको अनन्याश चिंतयंतो ये जना माम परियुपासते कहते हैं, कि जो अनन्य चित्त से मुझे याद करता है, मेरी उपासना करता है, वो तो एक बार भी नहीं हुआ 20 सालों में। धंधा तो दूसरा चलता रहा, चालाकी चलती रही, बैठे हो ये बताने के लिए कि परमात्मा का सिमरन हो रहा है, ध्यान हो रहा है, लेकिन अंदर से दगाबाजी है, अंदर से तुम संसार का सिमरन कर रहे हो, ध्यान संसार में गया हुआ है, मन संसार में है, ये तो चालबाजी हो गया, ये तो और भी बड़ा धोखा हो गया, इससे तो बेहतर सिमरन ना ही करते। और फिर 20 साल बाद बच्चे का एक्सीडेंट हो रहा है, बीमारी लाचारी आ रही है, तुम कहते हो क्या फायदा, वक्त बर्बाद किया, वक्त तो तुमने बर्बाद किया, और ऐसा बर्बाद किया कि ना संसार के हुए ना परमात्मा के हुए, ना संसार को भोग पाए, क्योंकि लगा रहा कि ध्यान करना है, ध्यान करना है, जिस दिन नहीं हुआ ध्यान उस दिन कोसते रहे अपने आप को, दुकान पे भी बैठे कोसते रहे कि आज ध्यान नहीं हुआ है, आज परमात्मा को याद नहीं किया, आज सिमरन नहीं किया है, नहीं है तो और क्या है, ये चालबाजी नहीं तो और क्या, ये चीटिंग नहीं तो और क्या, अपने आप से चीटिंग, अपने आप से धोखाधड़ी और परमात्मा से धोखाधड़ी, ऐसे को नहीं मिलता है, कैसे मिलेगा।
प्रार्थनारत रहो और सच्चे हृदय से, किसी को दिखाना नहीं है। और प्रार्थना वही कर सकता है जो प्रेम में है। अगला पड़ाव है प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम नहीं उतरता वो कहीं नहीं पहुंच सकता, ये बार बार हम कहते हैं। तुमने प्रेम किया है जगत से, जिसको तुम प्रेम कहते हो, मैं उसको वासना कहता हूं, मोह कहता हूं, स्वार्थ कहता हूं, वो प्रेम नहीं है। अगर तुमने जगत से भी ठीक से प्रेम किया होता तो परमात्मा के प्रेम में पड़ गए होते। तो वही प्रेम है, जगत का प्रेम भी उसी परमात्मा का ही प्रेम है, लेकिन तुमने प्रेम किया नहीं, तुमने स्वार्थ सिद्धि की है। तुमने दूसरे का, जिसको कहते हो मैं प्रेम करता हूं या करती हूं, उसका शोषण किया है, उसको इस्तेमाल किया है अपने लिए, टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर की तरह अपनी गंदगी साफ करके उसको फेंका है, उसका गला घोंटा है। ऐसा अगर नहीं है तो फिर क्या है? तुम देखो अपने जीवन को, देखो दूसरों के जीवन को, देखो जिससे भी तुम जुड़े हो, मतलब से जुड़े हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बाप है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, चाहे वो परिवार का कोई दूसरा हिस्सा है, मतलब के रिश्ते हैं सारे और बड़े अस्थाई हैं, बड़े झूठे हैं, उनको तुम प्रेम कहते हो। एक और बड़ा झूठ, एक तो तुम प्रेम करते नहीं हो, फिर उसके ऊपर मान्यता देते हो कि मैं प्रेम में हूं, मैं प्रेम करता हूं। सब छलावा है, आज है कल नहीं है। प्रेम तो नित्य है, प्रेम तो शाश्वत है, प्रेम तो वो सत्ता है जो तुम्हें विराटतम से विराटतम बना देता है, जो तुम्हें क्षुद्र से उठा करके बड़ा कर देता है, जो तुम्हें आकाश से भी ऊंचा उठा देता है। प्रेम तो समग्रता के साथ है, प्रेम तो तुम्हारा सर्वांगीण विकास करता है, प्रेम तो तुम्हारे हृदय का खिल जाना है, तुम्हारे वो अंदर के जो सहस दल कमल है उसका खिल जाना है। जो हजार पंखुड़ियों का कमल है वो जब अपनी पूरी आभा में खिलता है, तो कभी देखा तुमने, कभी अनुभव किया? प्रेम ना हो तो वो खिलता नहीं है, प्रेम से उसको सींचना पड़ता है। और प्रेम की ही डगर पर परमात्मा तुम्हें खड़ा मिलेगा। जो रूखे सूखे हैं उनके लिए परमात्मा कभी अपनी दृष्टि पे नहीं उठाता, क्योंकि प्रेम से ही तो सारा जगत है, तुम भी प्रेम की उपज हो। सारा जगत, सारी प्रकृति प्रेममय है, प्रेम में ही नाच रही है, प्रेम में ही फूल खिल रहे हैं, प्रेम में ही तारे चमक रहे हैं, प्रेम में ही ये धरती तुम्हारी सूर्य का चक्र लगा रही है, प्रेम में ही ऋतुएं आती हैं, प्रेम में ही बादल बरसते हैं, ये सब प्रेम का खेल है। प्रेम में ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ घटता है, बुरा या अच्छा सब प्रेम का ही फल है। प्रेम को तुमने समझा नहीं है। प्रेम तो बलिदान है, प्रेम तो अपने आप को पिघलाना है, तिरोहित करना है, अपने आप को बिल्कुल गलाना है, तोड़ना है। जैसे बीज टूटता है, फूटता है, तभी वो गलता है, सड़ता है, वो खिन्न खिन्न होता है, तभी उसका विकास होता है, तभी वो उठता है आकाश की ओर और बढ़ता है प्रकाश की तरफ, और तभी उस पे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तभी वो पनपता है, तभी बहारें आती हैं। तुम अपने आप को बचाते हो प्रेम में, दूसरे को तोड़ते हो। और प्रेम में अपने आप को तोड़ना है, प्रेम में तुम्हें वाष्पीभूत होना है, तभी उड़ पाओगे, तभी तुम उस विराटतम में समा पाओगे। प्रेम में तो अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, जहां तुम नहीं हो वहां प्रेम है। तुम बोलते तो बहुत हो कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, बोलते हो, गाते हो, पढ़ते हो, बजाते हो, क्या फायदा? और दो ही रहते हैं प्रेम में, तो तुम्हारे जीवन में दो ही हैं। दो नहीं होंगे, तीन से किया होगा, चार से किया होगा, दस से किया होगा, नंबर तो है ही है। और जितना ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा विक्षिप्तता तुम्हारे जीवन की। नहीं, प्रेम में तो दो नहीं होते,
दो भी नहीं होते। प्रेम में इतना वो तंग रास्ता है कि उस पे एक होके ही चलना पड़ता है, और एक भी नहीं बचता। मैं ये कहूंगा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे कोई ना समाए, एक भी ना समाए। अगर एक भी है तो दूसरा खड़ा मिलेगा। जहां एक का हिंसा है वहां दो भी आएंगे, क्योंकि एक की अवधारणा में दूसरा है, नहीं तो एक कहां है? एक भी नहीं है, और जब एक मिटता है तो तभी प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब बूंद गिरती है सागर में तो सागर ही हो जाती है, बस वही एक तत्व बचता है, वही एक परम तत्व बचता है। तुम नहीं बचते हो प्रेम की प्रकाष्ठा पे, वही होता है, वही मिलन है, वही परम मिलन है। तो प्रेम एक बहुत बड़ा सबक है तुम्हारा ध्यान के लिए, और मैं क्रियाएं करवाया करता हूं कि अगर तुम्हारा जीवन इतना रूखा सूखा है, पाषाण के समान है, पत्थर जैसा है, तुम पिघलते नहीं हो, तुम बहते नहीं हो, बहना नहीं जानते, और तुम वाष्पीभूत नहीं होना जानते, तो उसके लिए प्रेम की भी क्रिया है। बताओ, अब प्रेम भी सिखाना पड़ता है। कोई माँ स्कूल में जाके सीखती है कि बच्चे से प्रेम कैसे करना है? प्रेम के भी कोई सबक होते हैं, कोई क्लासें होती हैं कि बीए एमए और फिर पीएचडी फाइनल है? प्रेम तुम्हारे जीवन का श्वास है, तुम्हारे भीतर का प्रकाश है, तुम्हारा अस्तित्व है। ये कोई आंखों से बहने वाला कोई भावनात्मक खेल नहीं है, कोई भावना नहीं है ये। और उसको तुम समझते इसलिए नहीं हो कि तुमने जाना नहीं उसको, इसलिए क्रियाएं करवाते हैं, और उन क्रियाओं से तुम पिघलने लगते हो, रोने लगते हो, तुम्हारा हृदय द्रवित होता है और प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम खो गया जगत से, खो इसलिए गया कि ये जो प्रेम का जो केंद्र है हृदय, वो तो बंद पड़ा है। वहां तो चक्र जो है तुम्हारा वो बंद है, वहां तक तो ऊर्जा आती नहीं। ऊर्जा बस वहीं स्वादिष्ठान तक, जहां पर तुम भोग भोगते हो वासना का, काम वासना का, वहां तक तुम्हें पता है। बाकी के केंद्रों का तुमने कभी लिया ही नहीं आनंद, उसका स्वाद ही नहीं लिया तुमने। जिसकी ऊर्जा उठ करके नीचे से स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत चक्र तक, हृदय चक्र तक जिसकी पहुंच जाती है, उसके जीवन में खुलने लगता है वो द्वार जो प्रेम का द्वार कहलाता है। तो उसके लिए भी क्रियाएं हैं जो दी जाती हैं, तो उसमें देखा है कि बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की बरसात होने लगती है, तुम भी प्रेम में बनने लगते हो। चलो ऐसे ही सही, जैसे हंसी है, लाफ्टर है, वो खो गया, हंसना तुम्हें आता नहीं, तो हंसने के लिए भी क्रियाएं देनी पड़ती हैं कि हंसो, मसनूई तौर पे हंसो, कृत्रिम तौर पे हंसो, ऐसे बनावटी हंसो, जोक सुन के हंसो। हंसी अंदर खो गई, हंसी का द्वार भी बंद हो गया। ये जो मणिपुर है जहां से जॉय और हंसी निकलनी चाहिए थी, ये बंद है। ये तो खा खा के अन्न खा खा के, और सारी वो अपनी जो जितनी भी ग्रीड है, लालच है, उनसे तुमने उसको दबा दिया, भर दिया उसको, तो वो भी दब गया। तो उसके लिए भी तुम्हें क्लास लेनी पड़ती है, हंसी सीखने के लिए। हंसी खो गई इंसान की, इतना विषाद आ गया जीवन में। इसी प्रकार से प्रेम भी खो गया।